हमारे गांव में एक बच्चा पेड़ से गिरकर बहुत बुरी तरह घायल हो गया। यह देख गांव वालों को क्रोध आया और उन्होंने गांव के सारे पेड़ कटवा दिए। क्या आप सोचते हैं लोगों को गिरने से रोकने के लिए गांव वालों ने सही किया? यहां उपस्थित सभी लोगों को सुप्रभात। मध्य निश्चित यह आज के समाज की ज्वलंत समस्या है। यह एक ऐसा विषय है जिसे अखबारों या समाचारों तक ही सीमित रखा गया। इसके लिए कभी सार्थक प्रयास किए ही नहीं गए। चुनाव के समय नेता शराबबंदी के जोर जोर से नारे लगाते हैं और वही वोट बटोरने समय अवैध शराब की बोतलें बनवाते हैं। क्या हमने सच में सामाजिक और राजनीतिक तौर से इसके उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाए हैं? जी नहीं, क्योंकि हमेशा इसके ठेके के फायदे कुछ वर्ग के लोगों ने ही उठाए। शराब बंदी करने से शराब बंद नहीं होती, यह सिर्फ काला बाजारी और शराब की तस्करी के लिए नए द्वार खोलता है। छोटे छोटे स्थानों पर छुपा कर अवैध ढंग से शराब का उत्पादन होने लगता है। इसे मजदूर वर्ग के लोग अवैध साधनों से प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, जिससे अपराध में भी वृद्धि होती है और वह एक ऐसा रूप धारण करता है जिससे मनुष्य रोगों का शिकार हो जाता है। एक राज्य में शराबबंदी और दूसरे राज्य में शराब की बिक्री समाज के भ्रष्ट लोगों को अमान्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक शराब पहुंचाने का जरिया भी दे देती है। जैसे अभी भी 24 दिसंबर 2020 में पुलिस सूत्रों के अनुसार थाने से करीब 55 लीटर अवैध शराब जब्त की। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मध्य निषेध सही तरीके से अपराध में कमी लाता है? पिछले वर्ष भारत का पूरा राजस्व 12.6 लाख करोड़ था, जिसमें से सिर्फ शराब से आया हुआ कर 31,517.41 करोड़ था। इतने बड़े नुकसान की भरपाई कौन करेगी? सरकार को हमें सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करनी है और वह अब अपना आय व्यय देखते हुए हमारी अन्य जरूरत की चीजों पर कर रहा है। मैं शराब के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि मध्य निषेध इसके विरोध में। मैं अपने योग्य विरोधियों से ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या शराब या किसी और चीज पर प्रतिबंध उसके उन्मूलन का उचित समाधान है? अंत में मैं यही कहकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगी कि शराब एक पदार्थ है, शराब का दुरुपयोग यह एक समस्या है। शराबी कभी शराब अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने दिमाग से।